हाँ तो ओके दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि काफी ज्यादा मस्त होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं एक और एडिटिंग लेकर के आप सभी के बीच, काफी भौकाल तरीका से जादू फोटो एडिटिंग। देख सकते हैं आप लोग कितना ही ज्यादा हमारा हार्ड फोटो एडिटिंग हुआ है। ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देख लेंगे तो 110% गारंटी के साथ ऐसा एडिटिंग सीख जाएंगे। आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर लोगों का चैनल सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं और उसका वीडियो देखते हैं ना, लेकिन आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे ना तो 110% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा और आप भी ऐसा एडिटिंग कर पाएंगे। काफी ज्यादा मस्त एडिटिंग आप लोग भी कर पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छा लग जाए ना तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को अलाउ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज ऐसा वीडियो लेकर के आ जाता हूँ। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो ओके दोस्तों, हम लोग आ चुके अपने ओरिजिनल फोटो पे। तो सबसे पहले आप लोग इसको शेयर कर लीजिएगा अपने लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। कुछ इस तरह से हम लोग शेयर करेंगे इसको लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, 110% आप लोग सीख जाएगा ऐसा एडिटिंग। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो हम लोग यहां से फोटो को शेयर कर लिए हैं, देख सकते हैं आप लोग फोटो आ गया है। तो मेरे पास एक प्रेजेंट है, आप लोग इस वाले प्रेजेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप लोग ये जो थ्री डॉट है इस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो आपको कॉपी सेटिंग एक दिखाई दे रहा है इस पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा एंड इस पे क्लिक कर लेने के बाद इस पे क्लिक कर देंगे एंड इस पे एंड यहाँ से राइट क्लिक कर लेंगे एंड क्या करेंगे हम लोग, जो अपना फोटो आप लोग शेयर किए उसको ले लीजिएगा एंड इसको ले लेने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, ये थ्री डॉट है इस पे आप लोग चले जाइएगा एंड इस पे क्लिक कर लीजिएगा एंड ये जो पेस्ट सेटिंग है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पेस्ट सेटिंग इस पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। वन क्लिक में कुछ इस तरह से आप लोगों का हो जाएगा, तो थोड़ा देर वेट कर लेंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग हमारा हो चुका है। कुछ इस तरह से हो जाने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग यहाँ से ये जो सेव वाला है ये इस पे आप लोग क्लिक करके शेयर वाले पे आने, ये जो सेव टू डिवाइस है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इस पे आप लोग क्लिक करके फोटो को सेव कर लीजिएगा। हाँ तो ओके दोस्तों, फोटो सेव कर लेने को आप लोग सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, फोटो को डाटा चालू कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा अपने फोटो रूम के अंदर। फोटो को कटआउट कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से हम लोग शेयर करेंगे फोटो रूम के अंदर। तो इस तरह से हमारा जो है ना लोडिंग लेगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 110% गारंटी के साथ आप लोग सीख जाइएगा। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग लेगा और कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग लेने के बाद आपका डाटा जैसे काम करेगा ना उसी तरह से होगा। तो आपको मेरा डाटा थोड़ा स्लो है तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो ट्रांसलेट पर है इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा एंड इस पर क्लिक कर लेने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा शेयर वाला इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ जो आपको शेयर वाला दिखाई दे रहा है इस पर आप लोग क्लिक करके एंड फोटो को ये जो सेव वाला दिखाई दे रहा है आपको ये वाला इस पर आप लोग क्लिक करके एंड फोटो को सेव कर लीजिएगा। हाँ तो ओके करें, जब फोटो सेव हो जाने के बाद मेरे पास एक बैकग्राउंड ये वाला आप लोग इसको शेयर कर लीजिएगा अपने पिकशॉट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो हम लोग यहाँ से पिकशॉट को खोल लेंगे एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग शेयर कर लेंगे एंड कुछ इस तरह से हमारा पिकशॉट ओपन हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, जो टूल्स है इस पे क्लिक कर लीजिएगा एंड रिसर्च पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पर कितना लिख दीजिएगा पता है, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा 5000 एंड यहाँ से रिसर्च कर दीजिएगा, नीचे आ जाएगा 30 98। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 30 और 98 और यहाँ से रिसर्च कर देंगे। इतना हो जाने के बाद ना सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, जो अपना फोटो आप लोग कटआउट किया उसको हम लोग ले लेंगे। तो इधर से स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और ये जो आपको ऐड फोटो यहाँ पर दिखाई दे रहा है नीचे इस पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा एंड इस पे क्लिक कर लेने के बाद ना सिंपल से आप लोग जो कटआउट किया फोटो उसको आप लोग इस तरह से ले लीजिएगा एंड इस तरह से ऐड कर लीजिएगा एंड कुछ इस तरह से हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से अपने हिसाब से। तो आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूं, देख सकते हैं आप लोग ऐसे कर लीजिएगा एंड इतना कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग क्या कीजिएगा, ऊपर जो है जो सेव वाला है इस पे क्लिक करके आप लोग फोटो को सेव कर लीजिएगा एंड ये जो सेव वाला आपको दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करके एंड फोटो को सेव कर लीजिएगा। हाँ तो ओके दोस्तों, फोटो सेव कर लेने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें रेमनी मारेंगे हम लोग। तो कुछ इस तरह से हम लोग शेयर कर लेंगे रेमनी में और इसमें रेमनी चलाएंगे ताकि जो है ना फोटो HD हो जाए। तो कुछ इस तरह से हम लोग रेमनी में शेयर कर देंगे, कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग लेगा, आपका डाटा जैसे काम करेगा ना उसी तरह से होगा। तो मेरा डाटा थोड़ा स्लो है तो इस तरह से लोडिंग ले रहा है, देख सकते हैं आप लोग। कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा तो आप लोग इस पे क्लिक कर लीजिएगा एंड ये जो आप लोग पिकअप में सेव किए थे ये वाला फोटो आ जाएगा। ये जो आपको इनहेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा एंड इस पे क्लिक कीजिएगा ना तो एक ऐड आ जाएगा। हाँ तो ओके दोस्तों, जब सेकेंड खत्म हो जाए तो आप लोग इस पे क्लिक कर लीजिएगा एंड कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा तो आप लोग जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा ऑटो कलर इस पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा एंड थोड़ा देर प्रोसेसिंग लेगा, दो चीज खुल के आ जाएगा, एक ओरिजिनल होगा और एक डुप्लीकेट होगा। तो आप लोग ओरिजिनल पे क्लिक कर लीजिएगा। हाँ तो ओके दोस्तों, हमारे
सामने दो चीज खुल के आ गया है, देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ओरिजिनल वाले पे क्लिक कर लेंगे एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे एंड यहाँ पर जो ये सेव वाला दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करके एंड फोटो को सेव कर लेंगे। हाँ तो ओके मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने फोटो को सेव कर लिया, जो शेयर वाला इस पे क्लिक करके आप लोग शेयर कर लीजिएगा ऑटोडेस्क मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। अब हम लोग फेस स्मूथ करेंगे काफी भौकार तरीका से, तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको डिसमिस कर देंगे एंड ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये इस पे क्लिक कर लीजिएगा एंड आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा होगा प्लस वाला, इस पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा एंड एक प्यारा सा एम डिलीवर जो बन जाएगा आपके सामने ये वाला, इस पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा एंड आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो नॉर्मल है इस पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से आप लोग सॉफ्ट लाइट कर दीजिएगा एंड इस पे क्लिक कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि यहाँ से ये जो है कलर वाला इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से रेड कलर ले लेंगे एंड ये जो ब्रश वाला आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये वाला, इस पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा एंड ये वाला ब्रश ले लीजिएगा आप लोग, ताकि काफी मस्त इसे स्मूथ होता है, देख सकते हैं आप लोग इसको आप लोग। सॉरी दोस्तों, हम लोग इस ब्रश वाले पे चले जाएंगे एंड ये जो मीडियम ब्रश है हम लोग यहाँ से ढूंढ लेंगे, काफी ज्यादा ब्रश खुल के आ जाता है, तो ये वाला जो मीडियम ब्रश है इसको हम ले लेंगे एंड यहाँ से रेड कलर चूज कर लिए, तो कुछ इस तरह से जूम कर लेंगे एंड क्या करेंगे, ये जो लिप्स है हमारा इस पे हम अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से, काफी अच्छे तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे, देख सकते हैं आप लोग कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इस तरह से कर लेने के बाद ना सिंपल से आप लोग इस पे क्लिक कर लीजिएगा, जो आप लोग एम डिलीवर बनाए हैं इस पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा एंड ये इस पे क्लिक करके इसको हल्का कम कर दीजिएगा, इतना रख लीजिएगा एंड इतना रख लेने के बाद ना सिंपल से आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो ये वाला जो है आप लोग फोटो जो है इस पे आ जाइएगा एंड आप लोग क्या कीजिएगा, इस पे चले जाइएगा एंड ये जो बहुत सारा ब्रश के खुल के आ जाएगा, तो आप लोग ये जो प्यारा सा ब्रश है इसको आप लोग ले लीजिएगा क्योंकि सब इससे ही स्मूथ करते हैं, काफी मस्त स्मूथ होता है इससे। तो आप लोग सेटिंग अपने हिसाब से सेटिंग रख लीजिएगा, देख सकते हैं आप लोग सेटिंग कितना है, तो आप लोग साइज को अपने हिसाब से रख लीजिएगा एंड सेटिंग कुछ इस तरह से रख लीजिएगा एंड कुछ इस तरह से जूम करके अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कीजिएगा, काफी ज्यादा मस्त तरीका। तो देखिए हम लोग कैसे अप्लाई करें, इसी तरह से आप लोग अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा मस्त स्मूथ हो रहा है, तो इसी तरह आप लोग अप्लाई करेंगे ना तो काफी ज्यादा अच्छा स्मूथ होता है, देख सकते हैं आप लोग कितना ही ज्यादा मस्त स्मूथ हो रहा है। तो इसी तरह से आप लोग आराम आराम से कीजिएगा, आप लोग स्पीड में नहीं कीजिएगा, एकदम आराम आराम से आप लोग स्मूथ करेंगे ना तभी जाकर आप लोगों का फेस जो है ना काफी ज्यादा मस्त स्मूथ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को हल्का फास्ट कर देंगे। हाँ तो ओके दोस्तों, हम लोगों ने स्मूथ कर लिया है, मैं थोड़ा फास्ट में किया हूँ, आप लोग आराम नाम से कीजिएगा। और स्मूथ कर लेने के बाद ना हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो जादू जो होता है वो लगाएंगे, जो पहले लगा हुआ था मैंने फोटो में लगा हुआ, तो इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा एंड आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो है इनपुट इमेज इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा एंड इस पर क्लिक कर लेने के बाद ना वो जहाँ भी होगा हम लोग जादू को खोज लेंगे। तो यहाँ से हम लोग ढूंढ लेंगे, पहले हम लोग इसको ऐड कर लेंगे एंड क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर लगा देंगे एंड यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे एंड फिर से इस पर जा करके एंड इनपुट इमेज पर जा करके क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसको ले लेंगे एंड इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे एंड कुछ इस तरह से लगा लेंगे अच्छे से और यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे एंड फिर से इस पर जा करके एंड फिर से इनपुट इमेज पर जा करके हम लोग क्या करेंगे, उसको ढूंढ लेंगे, जहाँ पर भी होगा हम लोग उसको खोजेंगे। तो कुछ इस तरह से मैं खोज रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह से आप लोग भी ढूंढ लीजिएगा, तो हम लोग ढूंढ चुके हैं। तो ये रहा था, आप लोग इसको ले लीजिएगा एंड यहाँ से राइट क्लिक कर दीजिएगा एंड इस पर जा करके एंड जो प्यारा सा एम डिलीवर है इस पर जा करके एंड नॉर्मल पर जा करके यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको स्क्रीन कर लीजिएगा एंड यहाँ से इस पर जा करके कैंची वाले पे और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक ऊपर दूसरे नंबर पे, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा एंड आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ इस तरह से हम लोग इसको लगा देंगे, कुछ इस तरह से लगा लेंगे एंड यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। इतना हो जाने के बाद ना सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस पर जाएंगे एंड इनपुट इमेज पर जा करके और एक और है मेरे पास, उसको भी हम लोग ढूंढ लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग ये जो डाउनलोड है इस पर चले जाएंगे एंड ये वाला जो इसको हम ले लेंगे एंड कुछ इस तरह से हम लोग इसको भी एडजस्ट करके यहाँ पर लगा लेंगे और यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। इतना हो जाने के बाद ना सिंपल से हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग शेयर कर लेंगे स्नैपशीट के अंदर। तो इस तरह से हम लोग शेयर कर लेंगे इसको स्नैपशीट के अंदर, कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग लगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा। हाँ तो ओके दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने स्नैपशीट के अंदर। तो नीचे जो टूल से आप लोग उस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड ये जो सिलेक्टिव है इस पर आप लोग क्लिक करके क्या कीजिएगा, इस तरह से जूम करके और जहाँ भी आपको ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर ब्राइटनेस को अप्लाई कर दीजिएगा एंड इस पर आकर के सिचुएशन पे इसको हल्का कम कर देंगे एंड लास्ट वाले को हल्का कम कर देंगे और जहाँ पर भी आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे वहाँ पे आप लोग ब्राइटनेस को अप्लाई कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, देख सकते हैं आप लोग। और इसको सिचुएशन को आप लोग कम कर दीजिएगा एंड इस पर क्या करेंगे, इस पर भी हम जाएंगे एंड यहाँ पर हम लोग ब्राइटनेस को अप्लाई
अप्लाई कर देंगे एंड इस पे आकर के इसको कम कर लेंगे एंड यहाँ पर भी हम लोग ब्राइटनेस को अप्लाई करेंगे। जहाँ पर भी आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे ना भाई लोग, आप लोग वहाँ पे ब्राइटनेस को अप्लाई कर लीजिएगा ताकि जो है ना अच्छा लगे फोटो देखने में, काफी ज्यादा मस्त लगना चाहिए फोटो ताकि लुक दे सके फोटो में। तो कुछ इस तरह से हम लोग ब्राइटनेस को अप्लाई करेंगे, कुछ इस तरह से ये जो सर पर यहाँ पर हमको रेड दिखाई दे रहा था यहाँ पर ब्राइटनेस को इस तरह से अप्लाई कर देंगे एंड सिचुएशन पे जाकर के इसको हल्का कम कर देंगे, इतना रख लेंगे एंड इस पे आकर के हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर भी हल्का ब्राइटनेस को अप्लाई कर देंगे एंड इस पे आकर के इसको हल्का कम कर देंगे एंड अपने आंख पर भी हल्का ब्राइटनेस को अप्लाई करेंगे हम लोग ताकि अच्छा लगे देखने में, देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग इस वीडियो को ना शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा ना तो 110% सीख जाएगा। इतना देखें तो ना इतना थोड़ा सा और देख लीजिए, थोड़ा सा और बचा हुआ है तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो इस तरह से हम लोग ब्राइटनेस को अप्लाई कर लेंगे एंड इतना कर लेने के बाद सिंपल से हम लोग क्या करेंगे जो हाथ है यहाँ पर भी हम लोग ब्राइटनेस को अप्लाई करेंगे अच्छे से, कुछ इस तरह से हम लोग अप्लाई कर देंगे एंड सिचुएशन पे जाकर के इसको हल्का माइनस कर देंगे एंड कुछ इस तरह से यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई कर लेंगे, कुछ इस तरह से कर लेंगे एंड यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। इतना हो जाने के बाद ना सिंपल से हम लोग इसको क्या करेंगे शेयर कर लेंगे लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए लेके चलते हैं। हाँ तो ओके दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो ये वाला प्रेजेंट आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप लोग 3 डॉट पे क्लिक कर लीजिएगा एंड इस कॉपी सेटिंग पे एंड इस पे एंड इस पे एंड इस पे क्लिक कर लेंगे एंड क्या करेंगे इससे पहले जो अपना फोटो आप लोग शेयर किए उसको ले लीजिएगा एंड उसको ले लेने के बाद आप लोग 3 डॉट पे क्लिक कर लीजिएगा एंड ये जो कॉपी सेटिंग में जो पेस्ट सेटिंग है इस पे क्लिक कीजिएगा ना, वन क्लिक में काफी ज्यादा मस्त हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग कितना ही ज्यादा चंडाल तरीका से फोटो एडिटिंग हो चुका है, काफी चंडाल तरीका से, काफी ज्यादा मस्त। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को लॉक कर दीजिएगा क्योंकि मैं रोज ऐसा वीडियो लेकर के आ जाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू।